ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन मेन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। इटालियन स्टार ने अमेरिका के टेलर फिट्ज को हराकर इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज की है। सिनर इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। 23 साल के जैनिक सिनर ने यूएस ओपन में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दुनिया का नंबर वन टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट्स में हराकर खिताब अपने नाम किया। यह सिनर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है, जिन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। इस जीत के साथ सिनर ने इटली का पहला पुरुष यूएस ओपन खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। दूसरी ओर टेलर फ्रिट्ज का ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया है, जबकि यूएस ओपन को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा फैंस स्टेडियम में पहुंचे थे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।